इस वक्त हम संपर्क 34 राय में मौजूद है और आज यहाँ बाबा का वीडियो चला है 24 कैरेट मॉल पर चला है। बता दें आपको अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ था इसके द्वारा वो यहाँ पर एसडीएम संबल जो टीओ है उनकी मौजूदगी में उनकी अगुवाई में यहाँ पर इसका वीडियो चला है। जिस तरह से पीछे वहाँ पर एक दीवार थी जो दीवार को पूरी तरह ढा दिया गया है। ये 24 कैरेट द्वारा बनाई गई दीवार थी जिसको पूरी तरह नष्ट नाबूद कर दिया गया है। बुलडोजर ने आकर के यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की है साथ में एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको। पीछे देखेंगे जो यहाँ पर कवर किया हुआ था यहाँ पर ट्रांसफार्मर है जो उसके बाहर में है और वो इसे कवर किया था। कवर करने के बाद शायद उसकी खूबसूरती बढ़ जाए इसलिए लोगों ने कवर किया होगा। लेकिन जो अतिक्रमण इस अतिक्रमण के नाम पर यहाँ जो बोर्ड लगे हुए प्रेस बोर्ड उनको भी हटाया जा रहा है। पीछे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बुलडोजर इधर खड़ा है। इसी बुलडोजर की सहायता से जो है यहाँ पर 24 कैरेट जो है उसका मॉल का द्वारा जो अतिक्रमण किया था वो हटाया गया है। यहाँ पर दिखाऊंगा ये हरीम बिरयानी की दुकान हो सकती है जो कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो यहाँ पर कब्जा था वो सब हटाया जा रहा है। एसडीएम संबल यहाँ पहुंचे थे, विनय कुमार मिश्र पहुंचे थे और सीओ अनुप पहुंचे थे। यहाँ पर जिस तरह से ये पूरी एक दीवार थी यहाँ पर और इसके पीछे जो है एक ट्रांसफार्मर है जो ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा दिया गया है। तो संबल में कई जगहों पर इस तरह का अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है वो चल रहा है। ऊपर मजदूर लोग हैं जो कि यहाँ हटा रहे हैं जिस तरह से इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल यही है कि कई कई स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है और जो ये 24 कैरेट है कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो खूबसूरती थी उसकी साइडों की दीवार से यहाँ पर खूबसूरती आई हुई थी। इधर पूरा जिस तरह से बना हुआ था यहाँ मार्बल का पत्थर लगा हुआ था सब यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन देखना अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 कैरेट पर इससे आगे क्या असर पड़ता है। सिंपल से निष्पक्ष समझाना के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट।